स्टार सिटी 24 में खबर चलने के बाद उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने लिया मामला को संज्ञान में। मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन चलने के बाद उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने लिया संज्ञान में। जांच में पहुंची लोकपाल तमन्ना प्रवीण और सोशल ऑडिट यूनिट के डीआरपी बैजनाथ प्रसाद वर्मा। मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन चलने के बाद उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने लिया संज्ञान में। जांच में पहुंची लोकपाल तमन्ना प्रवीण और सोशल ऑडिट यूनियन के डीआरपी वैजनाथ प्रसाद वर्मा। और वहीं आपको बताते चले कि गिरिडीह जिले के बींगाबाद प्रखंड के अंतर्गत परसन गांव में जेसीबी मशीन से गांव के वार्ड सदस्य कुंजेश्वर वर्मा के द्वारा डोभा निर्माण करवाया जा रहा था, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने विरोध किया था। और वहीं योजना का नाम ग्राम परसन में कुंजेश्वर वर्मा की जमीन पर 80x80x10 का डोभा निर्माण का है। और वहीं लगभग 50 मीटर की दूरी पर जियो टैग भी किया हुआ था। और जब लोकपाल तमन्ना प्रवीण और सोशल ऑडिट यूनिट के डीआरपी वैजनाथ प्रसाद वर्मा ने से जब स्टार सिटी 24 के संवाददाता नवीन कुमार ने बात किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग अभी जांच में जुटे हैं और अगर जेसीबी मशीन के द्वारा मनरेगा योजना में काम किया जा रहा है तो हम लोग इसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, जोहार में नवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। हालांकि अभी मैं बींगाबाद प्रखंड के अंतर्गत तेरू नारी पंचायत के परसन गांव में मैं मौजूद हूं। और दरअसल आप लोग कल एक खबर चला था स्टार सिटी में जो कि आप लोग देखे होंगे। ये जो आप मेरे पीछे ये जो दृश्य देख रहे हैं इसमें दो डोभा पहले से कोड़ाया हुआ था, मगर ये मनरेगा के द्वारा योजना लिया गया था जो कि इनमें जेसीबी के द्वारा मजदूर के जगह पे जेसीबी के द्वारा काम करवाया जा रहा था। इसी मामले को जब खबर में चला तो उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा सर ने तुरंत संज्ञान में लेते ही आज जांच करने के लिए लोकपाल मैडम और सोशल ऑडिट यूनिट के डीआरपी को यहां पर भेजा गया है। और क्या कुछ मामला निकल करके आता है वो सब चीजों को आप लोग को हम दिखाएंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ग्रामीण लोग भी हैं और वो क्या कुछ कहेंगे चलिए हम जानते हैं। जी बताइएगा चाचा, यहाँ पे जो काम हुआ था ये क्या यहाँ पे बन रहा था? पहले जैसे पुराना सरकारी हारा है जी, उसका बाद दो ठो डोभा बना दिया जी। और एक डोभा है जैसे शीतल महतो के नाम से जी, और एक डोभा है दिलचन महतो के नाम से पुराना डोभा, और नया डोभा अब कुंजेश्वर किया है और जेसीबी से काम करा रहा। पहला भी जेसीबी से काम हुआ है जी। तब तो जब हम रोके मुखिया के पास गए, मुखिया रोका तो रात को गाड़ी चला के 4 बजे फोर निकाल के ले दिया। यहाँ के जो एक दो ग्रामीण लोग जो हैं उनके तरफ से सवाल उठ रहा है कि नहीं यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि नहीं यहाँ पे अपना कूड़ा रहा था या तमाम जैसे गांव का ये भी आदमी है ये भी ऐसे लोग, क्या आप पूछ रहे हैं? यहाँ अपना कोई नहीं कूड़ा रहा, अपना कूड़ाएगा तो इसमें हम भी है तो हमारा भी पैसा लगता जी। कहीं ना कहीं मनरेगा के साथ में गड़बड़ियां यहाँ पे देखने को, गड़बड़ियां ना ये तो नरेगा वाला है। अच्छा, नरेगा वाला ही? हाँ, नरेगा वाला है जी। हालांकि जानने का प्रयास किए तो आप सुन सकते हैं किस प्रकार से भूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि मनरेगा के साथ में कहीं ना कहीं कोई बड़ा सा खिलवाड़ किया गया। और यहाँ के जो और एक ग्रामीण है काफी उत्साह है बोलने के लिए, उनसे भी हम जानेंगे और क्या कुछ कहेंगे हम सुनेंगे। बताइएगा क्या कुछ? सर नमस्कार, हमारे कहना है यहाँ दो डोभा तो कूड़ा था लेकिन वो कोई काम का नहीं था जी। उससे ना ही कोई सिंचाई होता था ना ही कोई और कुछ होता था, वो फालतू पड़ा रहता था या इतना जगह जमीन फालतू का पड़ती रहता था। अभी जब इसको सिंचाई किया जाएगा, अभी सिंचाई होगा इससे तो 100 लोगों को फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, बोल रहा है कि ये मनरेगा की तरफ से बनाया जा रहा था जेसीबी लगा, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक ही जन का तकलीफ है, सबका नहीं है, 100 जन का। यहाँ पे जो ग्रामीण लोग का खास जो आरोप आ रहा है वो आरोप ये आ रहा है कि यहाँ मनरेगा में ही जेसीबी लगाया गया था, उसमें आपका क्या कहना है? मनरेगा से है या खुद से बना रहे, इसमें क्या कहना है? मालूम नहीं है, लेकिन ये मतलब स्पष्ट रूप से पता नहीं है। ये जानते हैं कि यहाँ से 100 लोग का फायदा होगा, ये आपको इतना आपका इतना मालूम है ना जी। हालांकि जिस जगह पे मामला निकल करके आया था कि यहाँ पे जेसीबी लगाया गया था, वहीं पे अभी हमारे साथ लोकपाल मैडम मौजूद है और उनसे हम जानेंगे क्या कुछ मामला निकल करके आया। क्या नाम हुआ आपका? जी मैडम बताइएगा, यहाँ पे आज आप लोग जांच करने के लिए आए हुए थे तो क्या कुछ मामला यहाँ पे निकल करके आया? बींगाबाद प्रखंड के परसन पंचायत में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पुराना डोभा पहले से बना हुआ जो आप लोग भी देख सकते हैं उसको, और जैसे यहाँ कुछ ग्रामीणों का कहना है कि रात को मशीन लगाया गया था, और अगर मेरा ये मानना है कि अगर जायज काम है तो उसको रात के अंधेरे में काम करने की जरूरत नहीं है।
और अभी जियो टैग भी यहाँ एक पाया गया आसपास में, तो अब थोड़ा सा इसको क्लियर करना है कि जिस लाभुक का नाम जियो टैग हुआ है उसका पर्सनल ज़मीन है ये क्या है। उसका कहना है कि सरकारी है, तो सरकारी है तो काम किसने लगाया, ये तो यहाँ के नागरिकों को मालूम होना चाहिए या ग्रामीणों को कि किसके द्वारा काम किया जा रहा है। और अगर सत्य में ये सरकारी ज़मीन पर काम हो रहा है तो ये काम क्यों बंद कर दिया। मतलब यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उनसे कई सवाल उठ रहा है कि जैसे यहाँ पे आधा काम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी भी लगा गया था और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जैसे आधा काम करके फिर यहाँ से जैसे लग रहा है कि जेसीबी को भगाया गया ग्रामीणों को। पुराना तालाब का ये सब जाँच के विषय है और उसे जाँच करेंगे, और अगर शंका हुआ तो जो योजना यहाँ आस पास में जो ये सब जाँच के विषय है और उसे जाँच करेंगे, और अगर शंका हुआ तो जो योजना यहाँ आसपास में जो जियो टैग किया गया बंद करने। हालांकि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पे काम करवाया गया कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जांच का विषय है और मैम अभी लगातार जांच कर भी रही है। और यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद हैं सोशल ऑडिट यूनिट के DRP बैजनाथ प्रसाद सर जी, और उनसे भी हम कुछ जानेंगे और क्या कुछ मामला निकल करके आया। जी बताइए यहाँ पे क्या कुछ मामला निकल करके। आप लोग के चैनल के माध्यम से लगातार 3 दिन से यह मामले चल रहे हैं कि JCB से तेलोनारी बेंगाबाद प्रखंड के तेलोनारी पंचायत में डोभा में डोभा बनाया जा रहा है। फिर हम लोग को उपायुक्त और अन्य तरह के पदाधिकारियों के संज्ञान में जाने के बाद हम लोग आज उपायुक्त के निर्देशानुसार जांच के क्रम में आए थे। उनके क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने आया तो JCB से यहाँ पर डोभा का पूरा शकल दिया जा रहा है, लेकिन पैसे की निकासी नहीं की गई है। जियो टेक यहाँ से बगल में किया गया है। अब है कि हम लोग को देखना है कि क्या यहाँ क्या परिस्थिति है, इसको गंभीरता से हम लोगों ने लिया है और इनकी जांच करके जो तथ्यात्मक चीज़ें होंगी उसी तरह से विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। जी कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय जो मजदूर हैं मजदूर की तरफ से काफ़ी सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि आजकल इन दिनों लगातार मनरेगा में काफ़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे JCB लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं ना कहीं कोई बड़ा शंका और कहीं ना कहीं मजदूरों के पेट पे लात मारने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस मामले को अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जांच करने के लिए आए हुए हैं मैम और सर, वही जांच करने के बाद क्या कुछ और मामला निकल करके आता है आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार नवीन कुमार के साथ।